हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए मैं बात करूंगा HDFC की। देखिए बहुत सारे टॉप के, मैं कहूंगा जो 10 फेवरेट स्टॉक मेरे पर्सनल फेवरेट स्टॉक थे, उनमें से एक है HDFC। बजाज फाइनेंस एक था, और बजाज फाइनेंस का मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया, आप देख सकते हो वहां पर क्या हालत हो सकती है। अभी HDFC की बात करेंगे, 1400 की तरफ मूव कर रहा है ये, लेकिन मुझे लगता है अभी और सस्ता मिलेगा जिस तरीके से ये कंडीशन चल रही है। सब लाइन पर आ रहे हैं। फ्राइडे को जो गिरावट आई थी और उसके बाद फ्राइडे को जो शॉर्ट स्टॉक मार्केट में जंप देखने को मिला था, हर तरफ से मुझे लगता है कि यही इन्फॉर्मेशन दिख रही थी कि भाई बॉटम आ चुका है। बट मैं फिर भी यही कहूंगा, यू नो नथिंग कि क्या होने वाला है। आप कुछ नहीं जानते और मैं कुछ नहीं जानता कि क्या होने वाला है। सब लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन जो भी मुझे दिख रहा है बहुत ही खतरनाक चीजें आगे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मैंने पिछले कुछ वीडियोस आपको बताए हैं टाइम टू टाइम, देखिए एयरलाइन स्टॉक्स के बारे में, खास करके एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे बिल्कुल बैंकरप्सी की कगार पे आ रहे हैं। और आपने देखा भी किस तरीके से बिल्कुल फ्लाइट ग्लोबल लेवल पे बंद हो चुकी है। अब इसके बाद धीरे धीरे, पहले ये तो इमीडिएट इफेक्ट वाले शेयर्स थे, कंपनीज थे, इमीडिएट इफेक्ट समझ रहे हो कि भाई लोगों का आना जाना बंद हो गया, टूरिज्म बंद हो गया, तो इमीडिएटली जो सेक्टर्स जो इम्पैक्ट हुए वो ये सेक्टर्स थे। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं। जरा देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स जो उनसे लाइंड अप थे, उनसे कॉन्टैक्टेड थे, उनसे मैं कहूंगा इन्फ्लुएंस थे, वो भी सारे जो है वो भी बिल्कुल बर्बादी की कगार पे है। जरा सोचिए, वो बंदे जिन्होंने रेस्टोरेंट खोले थे, आज की डेट में क्या हो रहा है। बहुत सारे जॉब लॉसेस होने वाले आने वाले टाइम पे। अगर ये लॉकडाउन इसी तरीके से 2-4 महीने भी चल गया तो बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। इस चीज को समझे, इस चीज को मैं कहूंगा, तभी मैं ये कह रहा हूं कि लालच में मत आना। अगर कोई भी आपको शेयर बाइंग के लिए अभी कह रहा है कहीं से भी, तो मुझे लगता है एटलीस्ट मार्केट स्टेबल होनी चाहिए। थोड़ा स्टेबल मार्केट हो जाए, थोड़ा महंगा खरीद लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा आपका डूबना नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं ये बार बार पिछले कई तीन चार हफ्ते मुझे हो गए ये सारी चीजें बताते हुए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अच्छा फीडबैक आया है, तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कमेंट के थ्रू इस तरीके से मुझे बताते हो। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने यहाँ पे पैसे जरूर बचाए होंगे खरीदारी से, रोक रोक के लोगों को, नो डाउट। दिस टाइम मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग आप अच्छा फीडबैक यहाँ पे दे रहे हो, एंड थैंक यू अलॉट मैं कहूंगा। चलिए जानते हैं HDFC के बारे में। इस बार HDFC के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर। और HDFC पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये नंबर दिखाना चाहता हूँ। ये नंबर दिखा के मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि मार्केट में अभी बहुत पेन है। नो गेन ओनली पेन, 2,03,000। ये नंबर अगर आप देखो मेरे हर वीडियो में, मैं आपको मतलब डे टू डे बेसिस पे हर वीडियो में, जितने भी मैं वीडियो आपको बनाता हूँ, ये नंबर मैं जरूर दिखाता हूँ। इसीलिए दिखाता हूँ ताकि मैं आपको रोक पाऊँ। ये देखिए, जो परसेंटेज ऑफ डेथ थी वो 9% हो चुकी है। पहले 7% था, फिर 8% था टोटल क्लोज्ड केसेस में। नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा। कंट्रीज देखिए, कभी 100 कंट्री भी नहीं थी, आज की डेट में 169 टोटल कंट्रीज एंड टेरिटरीज है जहां फैल चुका है। चाइना के नंबर थोड़ा कंट्रोल में जरूर आए हैं, लेकिन इटली, ईरान के नंबर्स देख के आप चौंक जाओगे। इवन स्पेन जो है वो काफी अग्रेसिवली यहाँ पे नंबर तेजी देखने को मिल रही है। अगर बात करूं मैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज की, तो जर्मनी, फ्रांस और बाकी अमेरिका के, देखिए अमेरिका में तो और भी हालात जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। 6,500 लोग यहाँ पे इंपैक्टेड हो चुके हैं। तो यही चीज अभी फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूँ, ये तो जापान के थे अभी तक। देखिए जापान, साउथ कोरिया और चाइना, ये तीन बड़े इंपैक्टेड एरिया थे एशिया के अंदर। लेकिन अब मैं जो देख पा रहा हूँ वो काफी तेजी से पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है। तो उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, इन सब चीजों में जो है, इन सब कंट्रीज में बहुत तेजी से ये चीजें फैल रही है। अब देखिए पाकिस्तान 254 नंबर ऑफ केसेस हो चुका है, और अगर आप देखोगे थाईलैंड 212 हो चुका है, फिलीपींस, देखिए ये एशियन कंट्रीज है, इवन इंडोनेशिया को देखिए 55 आज नए पॉइंट, 12 डेथ हुई है, नई 19 टोटल डेथ हो चुकी है। तो ये अपने आप में एक मैं कहूंगा शॉकिंग नंबर से इंडिया 152 पे आ चुका है। तो ये अपने आप खुद देखिए आप, इस चीज को मैं आपको इसीलिए दिखाता हूं ताकि आप समझ पाओ चीजों को। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ बात करूं तो किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है ऑल ओवर द ग्लोब, यानी कि आपका यूएस मार्केट के अलावा, यूएस मार्केट शाम को ओपन होती है वो तो मैं आपको दिखाता हूं। आप यूरोपियन मार्केट को देख सकते हो, रशियन मार्केट को देख सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन की देखिए 4% मार्केट डाउन है। निफ्टी आपने ऑलरेडी देखा, सुबह थोड़ा सा जंप जरूर था, मैं आपको टाइम टू टाइम इसलिए अपडेट किया करता हूं। देखिए फ्रांस 4-5% डाउन है, स्पेन आज पॉजिटिव है, लेकिन ये देखिए स्विट्जरलैंड की मार्केट देखिए, इटली की मार्केट देखिए, सब कुछ नीचे है भाई, सब कुछ नीचे है। तो क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए। HDFC जैसे शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, हम इसके बारे में बात करेंगे। 1756 का देखिए प्राइस अभी के डेट में आपको दिख रहा होगा, कल का ये प्राइस, और आज की डेट का अगर मैं प्राइस करूं HDFC का, तो जरा देखें 1642, 113, यानी कि 113 रुपए की गिरावट, बड़ी गिरावट ये है। और अगर मैं बात करता हूं, आज का जो लोअर सर्किट था वो 1580 था, 1580 का लोअर सर्किट था।
था। लोअर सर्किट से ज्यादा दूर नहीं तो आप देख सकते हो कि 1602 के आसपास ऑलमोस्ट लोअर सर्किट 20 रुपए का डिफरेंस है, आप क्या ही कहोगे। देखिए लोअर सर्किट को इसने टच किया यहाँ पे, मान के चलिए बिल्कुल 60% की डिलीवरी जरूर देखने को मिल रही है। देखिए क्या कुछ सोच सकते हो आप, इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के शेयर धराशाई हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे HDFC नहीं, मगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको निफ्टी POSB बैंक के अलावा, अभी मैं निफ्टी की डिटेल में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, आपने आज की डेट में अगर नहीं देखा तो देखिए, फिर से मैं कहूंगा देखिए, एडलवीज को देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग, SBI लाइफ को देखिए, यहाँ पे कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस को देखिए, बिल्कुल सब धराशाई हो रहे हैं। यही नहीं, आप HDFC लाइफ, इनको सबको देख सकते हो, ये फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर है किस तरीके से बिल्कुल धरा। HDFC को देख लीजिए, HDFC बैंक को देख लीजिए, सब गिर रहे हैं, कोई कमी नहीं है गिरावट में किसी में। और अब बात करते हैं इसके लेवल्स की, लेवल्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं जो हम लेवल बता रहे हैं। देखिए पसंद वाली बात नहीं है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम GTT ऑर्डर लगा देते हैं। देखिए भाई कोई ऑर्डर का प्लेस करने की मुझे लगता नहीं है कोई जरूरत है। आप तब ऑर्डर प्लेस कीजिए तब थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाए, थोड़ा महंगा मिल जाए। मान लीजिए कि HDFC का शेयर गिर के यहाँ पे 1000 रुपये का आता है और 1000 रुपये में आप नहीं खरीद पाए, कोई नहीं, 1400 खरीद लोगे, 1500 खरीद लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट स्टेबल तो हो। अब हर कोई तो वॉरेन बफे होता नहीं है कि जिनके पास खूब पैसा पड़ा है और वो अगर 1000 रुपये में शेयर खरीद के वो 500 रुपये में भी चले जाए तो वो बचा के रखते हैं, हर कोई इस तरीके से होता नहीं है। इतनी डीप पॉकेट वाला, मैं कहूँगा डीप पॉकेट वाला इतना कोई होता नहीं है, जरा सोचे। लेकिन अगर आप हो और रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अच्छे क्वालिटी के शेयर काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं। लेकिन मेरा जो मानना है वो यही मानना है कि गिरावट के बाद थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिले, थोड़ा लेट खरीद लो लेकिन अच्छा शेयर खरीद लो। आप लिख लो शेयर को, लिस्ट बना लो। और HDFC की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से मुझे यहाँ पे डिटेल देखने को मिल रही है, मैंने उम्मीद की थी कि ये यहाँ पे ये वाला एरिया जो है 1400 के आसपास का एरिया जो है, ये जो है इसका सपोर्ट का काम करेगा, मेन सपोर्ट का काम करेगा 1400 की रेंज जो। अब आप कहोगे कैसे उम्मीद की थी, क्योंकि प्रायर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये सपोर्ट का काम कर सकता था। और पहला मेरा सपोर्ट लेवल इसके लिए ये वाला था जिसके आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, 1680-1700। अगर पुरानी वीडियोज आप HDFC से रिलेटेड देखोगे जो मैंने पोस्ट की है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट रेंज था। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी डर था, अरे सर यहाँ कहाँ जाएगा ये तो इसी रेंज से 2000 या 2100 के लेवल से वापस चले जाएगा। देख लीजिए आप कितना पेन है, कितना पेन है। लेकिन ये सपोर्ट टूटने के लिए, देखिए सपोर्ट ऑलमोस्ट टूट चुका है, अब देखिए अगला सपोर्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे जरूरी नहीं टिक जाए। अगर इसी तरीके से सिचुएशन बनती रही, कंडीशन बनती रही, लोग घरों में रह रहे हैं तो भाई घर कैसे खरीदेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कहाँ से होगा, जब लोग पैसे कमाएंगे ही नहीं तो फाइनेंसिंग कैसे करेंगे। भाई लोग आगे से देखते हैं, भाई आगे से मेरा पैसा आएगा, फ्यूचर में मेरा पैसा आएगा तभी लोग घर खरीदते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। जरा देखें बैंकिंग और बैंक में पैसा लोग तभी तो रखेंगे जब वो पैसा कमा पाएंगे, पैसा तब कमा पाएंगे जब उनके पास नौकरी होगी, उनका बिजनेस चल रहा होगा। जरा देखें तो फाइनेंस हर कोई चीज इंपैक्टेड है, मतलब लॉकडाउन से जो चीजें इंपैक्टेड है, तो किस तरीके से लॉकडाउन से रेस्टोरेंट, होटल्स, टूरिज्म सब बंद है। अब लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, तो मैं सीधे सीधे रिलेशन आपको दे रहा हूं, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो कमा के रखेगा कहां, कमाएगा कहां से पहले, जब कमाएगा नहीं तो रखेगा कहां, तो ये कंपनीज कैसे चलेंगी, ये शेयर्स कैसे दौड़ेंगे। तो आप देखिए इन सारी चीजों को लिंक करने की कोशिश कीजिए। अगर ये 1400 का सपोर्ट HDFC का नहीं बनता तो मुझे ये आता हुआ दिख रहा है 1000 के लेवल पे। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं आपको सही सही बता रहा हूं, देखिए अगर ये टूटता है तो 1100 का ये लेवल है, 1100 से 1000 रुपये का लेवल है, बहुत ही बुरी स्थिति यहां पे आ सकती है आने वाले टाइम पे। और ये जो स्लो डाउन है वो एकदम ओवर होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसे रिकवर हो जाएगा, ये स्लो डाउन आप खुद सोचिए जरा सराउंड। इसीलिए मैंने आपको नंबर्स दिखाए, वो मार्केट दिखाई, वो इसीलिए दिखाई ताकि आप समझ पाए। और क्रूड ऑयल के रेट को अगर आप देखो कि क्रूड ऑयल के दाम में ही इतनी गिरावट है, भाई कहां से देखिए, अभी मैं देख पा रहा हूं WTI क्रूड 6% गिर चुका है, ब्रेंट क्रूड देखिए 3% गिर चुका है, भाई इतनी जबरदस्त गिरावट। क्रूड ब्रेंट क्रूड देखिए $29 पे आ चुका है, और मुझे लगता है ऐसा हो ना हो देखिए ये $20 के आसपास भी आ जाए कल को। तो ये सारी चीज अगर आप रिलेट करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप खुद ही अपने आप को, अपने पैसे को बचा पाओगे। ये तो मंथली चार्ट था जो मैंने आपके साथ डिसाइड किया, डिस्कस किया अभी। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वीकली चार्ट। देखिए पेन काफी ज्यादा है, देयर इज नो गेन टिल नाउ, आई कैन से देयर इज ओनली पेन। अब पिछले वीक के कैंडल को देख के बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में सवाल आया था कि यार ये तो हमारी इनडिसीजन वाली डॉजी कैंडल बनी हुई है, अब ये यहां से मूव अपसाइड होगा। देखिए और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं लालच में नहीं आना है, किसी भी लालच में, कंडीशन बहुत बुरी है। कंडीशन आप देख पा रहे हो 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन इसने तोड़ी थी, और आज ये पुराना फ्राइडे के लो को भी ये तोड़ चुका है।
मतलब सोच सकते हो कि कंडीशन कितनी कितनी बद से बदतर कंडीशन होती जा रही है। और वीकली लेवल पे जो मैंने आपको बताया था कि 1440 का ये रेंज, वो इस रेंज को देख के बताता हूँ, और जो 1000 का रेंज बता रहा हूँ वो इस पॉइंट को देख के बता रहा हूँ। तो सिचुएशन मुझे काफी वर्स्ट लग रही है। बढ़िया शेयर है, नो डाउट अबाउट द क्वालिटी, बट आप देखिए किस तरीके से भाई गिरावट की, जब मंदी आएगा कहाँ से पैसा कमाएगा, यही मेरा मेन जो है मुद्दा आपके साथ शेयर करने को है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और आप क्या सोचते हो कि इस टाइम पे स्टॉक्स कहाँ तक नीचे जाएंगे, और क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, जो भी आपका राय है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।